हाय गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं काम करते हुए। आज दिमाग में टॉपिक कुछ और था, पर कुछ इंसिडेंसेस हुए जिसके बाद ये लगा कि हाँ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है जब से इंडिया में काफ़ी जगहों पे, जैसे आगरा में नेमिनाथ, भोपाल में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में केसेस ठीक हुए हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। इसके ऊपर एक हमारी बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न, सो कॉल्ड एक्चुअली मॉडर्न फ्रटर्निटी जो है, उसने काफ़ी अच्छे रिएक्शंस दिए हैं कि हो नहीं सकता, तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस तुमने सही किए हैं जो सही हो ही जाते हैं। लाइक अगर बस सही हो ही जाते हैं तो इंडिया में जो डेथ रेट बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं चाहिए प्राइमरली। दूसरी चीज़, जो MBBS ये चीज़ बोल रहे हैं, मतलब मैं फर्टर्निटी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं उन लोगों के अगेंस्ट हूँ जो इस तरीके की चीज़ें फैला रहे हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी जब हम लोग फील्ड पे उतरे और जगह जगह गए, चाहे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, चाहे स्क्रीनिंग के लिए हो, चाहे सैम्पलिंग के लिए हो, बहुत सारे हमें लोग ऐसे मिले, स्पेशली MBBS डॉक्टर्स, जो घरों में दुबक के बैठे हुए हैं, मतलब माफ में वर्ड्स, दुबक के बैठे हुए हैं। केसेस आ रहे हैं, दे आर नॉट विलिंग टू अटेंड। मेरे जानने वालों के ऐसे केसेस हैं कि एंग्जाइटी का केस था, हिस्टीरिया केस था, दे जस्ट सेड दे वोंट बी अटेंडिंग इट। क्यों? क्योंकि उनकी कोविड से फट रही है। ठीक है, माना शब्दों का चयन गलत है, बट दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। क्लिनिक्स नहीं खोल रहे और हम खोल रहे हैं तो हम पे टॉन्ट्स आ रहे हैं। ठीक, देखिए आप कहते हैं कि केसेस एसिम्प्टोमेटिक थे, सही हो गए। पहली चीज़, कॉन्ट्रडिक्ट मत करो यार। आप ही कहते हो होम्योपैथिक जो है खाली सिम्टम्स को रिमूव करती है, ना कि डिजीज़ को सही करती है। डिसाइड कर लो कि हम सिम्टम्स रिमूव कर रहे हैं कि हम डिजीज़ रिमूव कर रहे हैं। अगर केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उसमें सिम्टम्स होते नहीं। दूसरी चीज़, एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट आ रहा है आजकल, वायरल डिजीज़ है अपने आप सही हो ही जाती है। अगर अपने आप सही हो ही जाती है तो गवर्नमेंट को इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेट देयर बी हर्ड इम्यूनिटी, लेट एवरी वन रेडी गेट इन्फेक्टेड एंड लेट्स सी कितनी सही हो रही है। बाकी अमेरिका वाले तो गधे थे, इतने मर गए, उनको तो पता ही नहीं था कि वायरल डिजीज़ अपने आप से सही हो जाती है। तो गाइस, मतलब लिटरली अब्यूज़ आ रहे हैं, नहीं कर सकते। आप घर में बैठे हो, आप 10 दिन की ड्यूटी करके 14 दिन का क्वारंटीन लेते हो। हम लोग यहाँ 2 महीने से लगातार काम करें, वे वर्किंग टायरलेसली इन द कंटेनमेंट एरियाज, यू आर गेटिंग ब्लडी एवरी पॉसिबल थिंग दैट द गवर्नमेंट कैन ऑफर यू। आपको सैलरीज मिल रही हैं, आपको आपके इंश्योरेंसेस मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यू आर जस्ट वर्किंग फॉर द नेशन हेयर, सो शट द फक अप एंड सीखो। हम सिखा रहे हैं, सीखो। नहीं सीख पा रहे हो तो देखो कैसे आगे बढ़ती है पैथी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।